ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में रैगिंग का विवाद तूल पकड़ने लगा है। आज छात्र संगठन SFI से जुड़े छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल का घेराव किया और धक्का मुक्की की कोशिश की। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। स्कूल प्रशासन ने रैगिंग के केस में 3 छात्रों को निकाल दिया है। 2 शिक्षकों को भी नौकरी से हटाया गया है। इसी कार्रवाई का ऐलान करने के बाद प्रिंसिपल समिक घोष होटल से बाहर निकले तो SFI के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, कार पर हमला किया और कुछ कर्मचारियों की पिटाई भी कर दी। पुलिस ने भी रैगिंग के केस में 3 छात्रों और 2 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के मंत्री के बेटे के साथ रैगिंग की घटना हुई थी। पीड़ित अभी भी अस्पताल में भर्ती है और SFI के छात्रों ने